गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आपके बताया था पिछली वीडियो में कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि साइप्रस में जो बंदे एक साल को हो गया है उनको, जैसे स्टूडेंट वगैरह आए हैं, ठीक है, तो उनको एक साल हो चुका है, उन्होंने नेक्स्ट ईयर की फीस वगैरह जमा करवा दिया, रजिस्ट्रेशन वगैरह इनरोलमेंट वगैरह हो गई है उनकी, तो उनके पास जो ऑप्शन है बेसिकली कि वो क्या कर सकते हैं, किस कंट्री को विजिट कर सकते हैं। देखिए, जैसे पहले बहुत ज़्यादा अच्छे हालात थे, ठीक है, जैसे स्टूडेंट वगैरह आते रहे आज से 4 या 5 साल पहले, तो वो उनको पता था कि यार जैसे आपको पिंक कार्ड मिलती है तो आप इजीली विजिट कर सकते हैं रोमानिया, बल्गारिया, क्रोशिया वगैरह, ये 3 कंट्री आप साइप्रस स्टूडेंट वीज़े पर रह के भी आप विजिट कर सकते हैं। नो डाउट अभी भी है, लॉ के अंदर अमेंडमेंट वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन उनकी अभी मर्जी है कि आपको एंट्री दें या ना दें। आप इधर जैसे फ्लाई कर सकते हैं, टिकट वगैरह बुक करवा के, होटल रिजर्वेशन करवा के और अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह करवा के जा सकते हैं, लेकिन आपको उनकी मर्जी है दें या ना दें एंट्री। नॉर्मली क्या हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती, कुछ स्टूडेंट को मिल जाती है, 100 में से अभी 2 या 3 स्टूडेंट को मिल रही है, समझ लें कि 100% में से सिर्फ ओनली जो है ना 1 और 2% चांसेस हैं कि आपको एंट्री मिल जाए। लेकिन रिसेंटली जो सन्ने में आया था, जैसे मैंने आपको बताया था ग्रुप में, वो लड़के वगैरह गए थे, दोस्त वगैरह जो है वो 6-7 लड़के ग्रुप वगैरह में गए थे, और कॉलेज की वजह से एक छोटा सा अच्छा सा प्रोग्राम बनाया था, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिटी के जो उसके अंदर स्टूडेंट वगैरह थे उनको इजीली जो है ना वो मिल गई थी एंट्री वगैरह, तो लेकिन वो वापस आ गए थे, जनरल वगैरह स्टूडेंट रहते आपको पता ही है जैसे कुछ लोग वापस नहीं आते, इसी वजह से उन्होंने एंट्री वगैरह बंद की हुई थी। खैर, ये मकसद जो है ना पुरानी वीडियो को डिस्कस नहीं करना है, मैं नई वीडियो जो ऑप्शन वगैरह चल रही है बेसिकली स्टूडेंट वगैरह कार कह रहे हैं जो इनको 1 साल या 1.5 साल हो चुके हैं, उन्होंने नई फीस वगैरह जमा करवाई हुई है कॉलेज में और जनरल स्टूडेंट रहे हैं पिछले जो उनके सेमेस्टर 2 वगैरह लास्ट ईयर के 2 सेमेस्टर थे वो क्लियर थे, तो वो अभी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ना किसी न किसी कंट्री को विजिट करें। और नॉर्मली जो अभी ट्रेंड जो चल रहा है वो यूके का वीज़ा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यूके का वीज़ा जो है वो 6 मंथ का लगता है, वो मल्टी एंट्री वीज़ा होता है और 180 डेज आप स्टे कर सकते हैं, आप जब आप जाते हैं तो फिर वापस आके फिर भी जा सकते हैं, और उसकी फीस जो है वो आपको कॉस्ट वगैरह जो करती है वो तकरीबन जो है 220, 230 और 250 के दरमियान कॉस्ट करती है टोटल जो है ना उसके छोटे मोटे खर्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि फोटो कॉपीज़ वगैरह वो बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें कर करा के आपको इतनी कॉस्ट पड़ा करती है, डिपेंड करता है आप खुद अप्लाई करते हैं तो ये कॉस्ट करती है, अगर किसी आपके किसी और के थ्रू पढ़ा करते हैं तो वो उसके चार्जेस वगैरह होते हैं। तो ये जो प्रोसेस वगैरह है उसके लिए क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको आपका जो कोर्स है, ठीक है, आप उसके अंदर इनरोल होने चाहिए, ठीक है, आपको अगर 1 ईयर स्पेंड हो चुके हैं यहाँ पे, 1 ईयर गुजार चुके हैं, ठीक है, कॉलेज के अंदर आपके 2 सेमेस्टर हैं वो क्लियर होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो जरूरत होती है, सबसे पहले मैंने बताया आपको 1 साल यहाँ पे अगर गुजार चुके हैं, ठीक है, आप जनरल स्टूडेंट हैं, आपके 2 सेमेस्टर क्लियर वगैरह हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपका वीजा लगने के ज्यादा चांसेस है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो लड़के वगैरह बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है, आपकी जो स्टेटमेंट है वो जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है, और स्टेटमेंट वगैरह की जो अंदर जो पैसे आप डलवा रहे हैं वो आपकी जो है ना अपनी कंट्रीज वगैरह से आने चाहिए, और ठीक है उसमें अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर निकला हुआ है तो वो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। ये ऐसे पॉइंट पर देखें आपको आयरलैंड और यू है यूके वगैरह वो कंसिडर करता है, ठीक है, आपके जो एप्लीकेशन वगैरह होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको बताऊँ कि अगर आप पैसे पाकिस्तान से या अपने होम कंट्री से मंगवा रहे हैं, इंडिया से या नेपाल से, बांग्लादेश से, जहाँ से मंगवा रहे हैं, तो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आप अगर मंगवा सकते हैं तो बेहतर है, अगर ज़्यादा चार्जेस पड़ते हैं तो वेस्टर्न यूनियन से मंगवा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन रिसिप्ट वगैरह वो अपने संभाल कर रखें ताकि आप जब एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो आप ज़रूर अटैचमेंट कर सकें। स्टेटमेंट की मैं बताता हूँ लड़कों को, मोस्टली स्टेटमेंट आपकी जो ना 3000 से ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है, और लास्ट 3 मंथ मिनिमम है और मैक्सिमम 6 मंथ तक होनी चाहिए, और 6 मंथ तक आपके अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो जो है मिनिमम बैलेंस जो शो हो रहा है वो 3000 तक शो होना चाहिए, ठीक है, इससे नीचे डिक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ऊपर जो भी आपके पैसे होते हैं वो अगर आप जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं, स्पेंड करते हैं वो कोई मसला नहीं है, उसको कोई कंसिडर नहीं, लेकिन जो आपका मिनिमम बैलेंस शो हो रहा है, अगर चाहे वो आपका 6 मंथ में 1 दिन भी अगर 1000 पे चला गया तो वो जो एम्बेसडर होता है, जो वीजा ऑफिसर होता है, वो कंसीडर करता है कि आपके पास 1000 यूरो जो है वो आपकी सेविंग है जो आप अपने टूर पे स्पेंड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा कि ये प्लस पॉइंट है। बैंक स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा आपके पास जो ना एप्लीकेशन में जो है मदद करती है, ठीक है, आपको वीज़ा लगने में, आपको वीज़ा जो है ऑफिसर के साथ जो भी है ना उसको सेटिस्फाई करने में। कॉलेज से जो आपको चाहिए होता है वो हॉलीडे लेटर चाहिए होता है, जैसे साल के अंदर जो आपका सेमेस्टर कंप्लीट होता है तो उसके बाद भी आपको हॉलीडे मिलती है, एक और इसके अलावा जो है आपको ईस्टर वगैरह हॉलीडेज वगैरह मिलती हैं, ठीक है, उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका जो एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर होता है वो सेकेंडली ऑनलाइन ही होता है, सारा कुछ आपने फिलिंग करनी होती है और ओनली ऑनलाइन ही आप डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने होते हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट वगैरह, आपके जो है पुलिस करेक्टेड सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे अगर आपने 1 साल गुजारा हुआ है, 1.5 साल गुजारा हुआ है, आपको पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट जो है ना वो आपको मिलना पड़ता हैड ऑफिस से, जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, पुलिस का, वहाँ से आपको जो है ना 20 यूरो में आपको जो है ना वो मिल जाता है, 1 डेज में मिल जाता है या 2 डेज के अंदर मिल जाता है, उसकी भी कोई परेशानी है। इसके अलावा जो है वो आपको कॉलेज से हॉलीडे लेटर और कॉलेज के एडमिशन लेटर जो भी रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट लेटर वगैरह और जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह था पिछले ईयर का आपके 2 सेमेस्टर का वो भी आप इसके साथ अटैचमेंट करने के आपने कंप्लीट किया हुआ है, आप जनरल स्टूडेंट हैं,
इसके अलावा आगे जी आगे आपके ट्रैवल जो है ना इंश्योरेंस वगैरह होनी चाहिए, रिजर्वेशन वगैरह होनी चाहिए आपकी जो है ना होटल की और फ्लाइट की रिजर्वेशन वगैरह होनी चाहिए, और कितने दिन आप स्पेंड करने जा रहे हैं वो प्लान होना चाहिए, और उसके बजट भी आप उसको बताना है कि आपको हमारा बजट जो है वो कितना है, जो आप इधर भी रह रहे हो आपका खर्चा वगैरह इतना है, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है एप्लीकेशन में जमा करवाते वक्त। बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको खुद ही एप्लीकेशन जब ऑनलाइन ओपन करते हैं, जब आप सबमिट करवाते हैं तो आपको समझ आ जाती है, और जो प्रोसेस वगैरह है जो एम्बेसी जो टाइम लेती है वो विदिन 2 वीक के अंदर आपको रिस्पॉन्स दे देती है। यहाँ पे जो आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं जो आप मैक्सिमम अगर कोई उसके अंदर कोई चीज़ें मिसिंग वगैरह हैं जो आपसे मांगती हैं तो वो 1 मंथ तक या 1.5 मंथ तक चली जाती है एप्लीकेशन जो टाइमिंग चली जाती है। इसके जो प्रोसीजर होता है जो आपको जमा करवाते हैं तो उसके बाद जो ना आपको कॉल आती है या इंटरव्यू वगैरह होता है, छोटा सा इंटरव्यू, इंटरव्यू के अंदर सिर्फ सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करते हैं, ठीक है, आपके पास जो फोटो कॉपीज वगैरह होती हैं वो देखते हैं कि यार आपने जो अपलोड की हैं वो सेम एज इट इज हैं, ठीक है, वो सारी की सारी पूछ लेते हैं, अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप देनी पड़ती है वहाँ पे ऑन द स्पॉट इंटरव्यू के अंदर। इसके बाद जो होता है वो आपको जो है ना जो इसका कोरियर है TCS है जो भी है इनका कोरियर है, ठीक है, स्पेशल कोरियर, उसकी फीस आपसे ऑलरेडी ऑनलाइन चार्ज की होती है, उसके थ्रू आपको पासपोर्ट वगैरह आपके घर मिल जाता है या फिर उसी ऑफिस में आ जाता है, आपको एक मैसेज आ जाता है या ईमेल के थ्रू आपका ट्रैकिंग नंबर इशू किया जाता है कि यार आपका पासपोर्ट वगैरह वापस आ जाएगा, जो भी वीज़ा है आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है ईमेल के थ्रू कि रिफ्यूज़ हुआ है या लग गया है, वो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया जाता है आपका पासपोर्ट मिलने से पहले आपको। तो ये एक छोटी सी मैंने अपडेट वगैरह समझी थी कि आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि वो जो ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है साइप्रस के अंदर, जो स्टूडेंट वगैरह के अंदर ट्रेंड चल रहा है जो वो सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यार वो उन स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर सकूँ जो ऑलरेडी अपने कंट्री में बैठे हुए हैं, ठीक है, जो उनका प्लान बना हुआ है कि साइप्रस आना है, स्टूडेंट बनना है, तो आगे क्या करना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो ये भी एक आई थिंक के ऑप्शन है कि आप कर सकते हैं, ठीक है, विजिट वगैरह कर सकते हैं आगे, तो आप खुद समझते हैं कि यार विजिट करने से हम आपको साथ क्या हो सकता है, आपकी जो पासपोर्ट वगैरह की है जो है उस जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, वैल्यू बढ़ जाती है, आपको विजिट वीज़ा वगैरह आसानी के साथ मिल सकता है, आप इजीली यूरोप वगैरह शेंगेन वगैरह घूम सकते हैं। मैं इसके अलावा जो नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा रशिया के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा रशिया में लोग जो है ना विजिट करने जाते हैं या इजिप्ट या फिर इसके अलावा ई वीज़ा लेते हैं तुर्की वगैरह का यहाँ पे से लेते हैं या फिर वहाँ पे खुद जाके अप्लाई करते हैं, इसके बाद दुबई का वीज़ा भी यहाँ से इजीली जो मिल जाता है, तो यूरोप में रह के ये चीज़ें जो कंट्री आसानी के साथ वीज़ा दे देते हैं। तो ये नई वीडियो में एक मैं कटी इन्फॉर्मेशन इसके साथ डिस्कस करूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वाली चाहिए और कितना खर्चा होता है, तो बाकी मुझे इजाज़त दीजिए, होपफुली कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वगैरह होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।